सेवा विस्तार दिए जाने की मांग को लेकर उपनल कर्मियों का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान उपनल कर्मियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों ने बेहद जिम्मेदारी के साथ कार्य किया तथा अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन कोरोना में विजय हासिल करने के उपरांत कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उपनल कर्मियों ने सेवा विस्तार देने अथवा अन्य विभागों में समायोजित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पहले तो सर मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक आप ही लोग हैं जो हमारी सुध लेने आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों के अलावा अभी तक हमारे से ना विभाग से कोई आ रखा है, ना कोई नेता लोग, ना कोई कुछ, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 26 तारीख से हम कार्य बहिष्कार में हैं और 1 तारीख से हम जो है हड़ताल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे सर ये है कि हमको बताया गया 31 मार्च के बाद आपकी सेवाएं समाप्ति कर दी जाएंगी, जो कि हम कोविड 19 के तहत रखे गए थे। 31 मार्च को हमारा बॉन्ड समाप्त कर दिया गया। हमको सरकार से ये बोलना है कि हमें कोविड-19 में जब कोई परिवार वाला अपने सगे परिवार वाले अपने आप को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, तब उस टाइम में भी सर काम हमने किया। आप सभी देख सकते थे, जब रोडों में कोई चलने को तैयार नहीं था तब काम हम सबसे आगे हम थे जिन्होंने कोविड काल में काम किया। और आज उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि हमें अब बोल दिया गया कि तुम घर में बैठो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर हमें अलग हमारे विभागों में समायोजित नहीं किया जाता है, तो हम ऐसी हड़ताल में बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम ऐसी हड़ताल में बैठे रहेंगे। और अगर सरकार हमें फिर भी हमारी सुध नहीं लेती तो हम और आगे और इससे भी आगे और आगे जो अलग फैसले हैं वो लेने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो परेशान हो गए सर अपनी। हम यहाँ पे हमारे पास ना इतने कोविड काल में हमने काम किया, आज हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम आगे को देखेंगे कैसे अपने। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें कहीं कोविड से हटा के कहीं और रख दीजिए। जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमें कोविड में रखा था और इन्होंने कहा कि 31 मार्च को तुम्हारी सेवा समाप्त हो चुकी है, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब हम कहाँ जाएंगे। देखो जब कोविड काल चला था तब कोई किसी को छूते नहीं थे, हम लोग काम करते थे, लाशों को भी उठाते थे। तब आज सब लोग स्वास्थ्य विभाग के कहीं के भी सरकार कहती है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें सब कोई छूता नहीं था, तब हम अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के तब हम उनकी सेवा पे तत्पर थे। ये तो पांडे जी चलता रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक चलता रहेगा। विभागों में बहुत जगह खाली है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर हमें डाला जाए। बहुत से हैं, समाज कल्याण है, अगर हम इधर उधर कहीं भी समायोजित कर लो, यही हमारी मांग है। अगर सरकार नहीं सुनती तो मैंने पहले भी बता रखा है और उग्र आंदोलन हमारा चलते रहेगा। महोदय, हमने कोविड-19 के अंतर्गत कार्य किया और उसमें जो है कि इतनी महामारी में हमने जूझते हुए इतने सारे भाई लोगों ने, जब सड़कें सुनसान थी और लोग सड़कों पर लाशों को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, हमने उस समय भी कार्य किया है और पीपी किट पहन के जो है अपने बच्चों को न देखते हुए हमने जो है ये महामारी में काम किया। लेकिन सरकार ने हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी, जो कि हमको अभी भी मानदेय 3 महीने का मानदेय अभी भी हमको नहीं मिला है, और जो कि शासन द्वारा ओपनल के तहत जो भी मतलब क्या कहते हैं शासनादेश लागू होते हुए भी हमको प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई और सरकार और शासन इसके अनदेखी कर रहा है। और हमारा जो भी एक आदमी का जो है वो प्रोत्साहन राशि कम से कम 3,000 रुपये के हिसाब से 30-30, 40-40 हज़ार रुपया बनता है, जो भी उसको भी सरकार अनदेखी कर रही है, जिससे हमारा प्रोत्साहन राशि और हमारा पूरा मानदेय हमको मिले। और जो है उसमें मानदेय के अलावा अगर जब कोविड के अंतर्गत हमको ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में काम ज़रूरत नहीं है, तो हमको समायोजित किया जाए, ऐसे विभागों में समायोजित किया जाए जहाँ पर रिक्त पद खाली हैं, वहाँ पर हमको समायोजित करें। और नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने लोग हैं, और मैं भी मतलब एक ग्रेजुएशन एमए किया है, मैंने बीए एमए किया है, और जिससे हम एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, उसमें भी हमको काम नहीं मिल रहा है।
एसटीजीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।